मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद नंदी बोल रहा हूं। मैं आज ही आपको सब कुछ सच बता सकता हूं। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसुओं को आप महसूस नहीं कर पाओगे। मैंने स्वयं अपने ऊपर इतने हथौड़ों और कई कई प्रकार के वार झेले हैं, जिसका दर्द और पीड़ा मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैं कई सदियों से यहां बैठा हूं। मुझे तो ये कहने में भी शर्म आती है कि मेरे चाहने वालों को ये तक नहीं पता कि मुझे स्थापित किसने और कब किया था। लेकिन मैं आपको कह दूं, मैं अनादिकाल से मेरे प्रभु को निहारते आया हूं। मुझे सदियों पूर्व से ही मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया था। इस अंधकारमय पीड़ा को मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैंने वो पीड़ा देखी है, मैंने वो पीड़ा सही है, जब पहली बार सन 1194 में मोहम्मद गोरी नामक एक लुटेरा और उसके साथ मौजूद मलेच्छ लुटेरे ने मेरे आराध्य का मंदिर क्षतिग्रस्त करके लूट लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही स्थानीय लोगों ने मिलकर मेरे प्रभु का मंदिर फिर से स्थापित कर दिया। मुझे आभास हुआ कि शायद अब मैं हमेशा फिर से अपने प्रभु को निहारता रहूंगा। लेकिन सन 1447 में मैंने फिर वही खूनी खेल देखा। जिस मंदिर में कभी दूध की नदियां बहा करती थी, वहां रक्त बहते हुए देखा, क्योंकि सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा तोड़ दिया गया था एक बार फिर से मेरा यह मंदिर और मूर्ति पूजकों को मार दिया गया। अगर विश्व में कोई पीड़ितों का देश होगा तो सर्वप्रथम मेरे बारे में ही चर्चा होती है। जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ उसके बारे में आज तक कहीं कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी। मैं यही वीरान भूमि पर बैठे बैठे सारे खूनी खेल को देखता रहा। फिर एक बार मैंने प्रसन्नता का आभास किया जब सन 1585 में राजा टोडरमल जी की सहायता से पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा मेरे स्थान पर एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। टोडरमल जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1585 में करवाया था। मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा था, क्योंकि मैंने पुनः वही वैभव प्राप्त कर लिया था। लेकिन कुछ ही वर्षों में पुनः मेरी इस प्रसन्नता को किसी की नजर लग गई। अमेरिकी इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखा था कि आक्रांताओं ने भारत में जो आक्रमण किए उसका वर्णन कभी किसी ने अच्छे से नहीं किया, वरना भारत में धार्मिक लोगों ने जो यातनाएं झेली हैं उसका वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। एक बार फिर शाहजहां ने सन 1632 में अपना आदेश पारित किया कि मंदिर तोड़ दो, मूर्ति पूजकों का भंजन कर दो, मूर्तियों का विनाश कर दो। फिर क्या था, हजारों हिंदुओं का विनाश कर दिया गया। शाहजहां की सेना का हिंदुओं ने प्रबल विरोध किया। जिस काशी में भजन और कीर्तन होते थे वहां 1632 में खूनी खेल हो रहा था। मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड दिया जा रहा था। जिन पंडितों के हाथों में वेद पुराण थे उनके हाथ में मैंने त्रिशूल देखे। भारी विरोध के कारण आक्रमणकारी मेन ग्रह को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन काशी में मौजूद अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। मूर्ति पूजकों को ऐसा दंड मैंने देते हुए कभी न सोचा था। शाहजहां की सेना तो चली गई, लेकिन पीछे जो नरसंहार और पीड़ा का दृश्य मैंने देखा वो आज भी मेरे हृदय को झकझोर देता है। जैसे तैसे कुछ वर्ष गुजरे और फिर एक अन्य हमलावर औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 में आदेश पारित किया कि काशी विश्वनाथ का ज्ञान वापी मंदिर तोड़ दो, और फिर से मूर्ति पूजकों के ऊपर आक्रमण हुआ। इनकी राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु राजा को इनका मूर्ति पूजक होना ही इनका सबसे बड़ा अपराध लगता था। औरंगजेब के इस आदेश की प्रति को आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। 1669 के इस आक्रमण के बाद पूरी काशी में असंख्य मंदिरों को तोड़ा गया और ज्ञान वापी मंदिर के गर्भगृह का अनादर करके आक्रमणकारियों ने उनके पूजा स्थल बना दिए। हजारों हजार निरीह निर्दोष लोगों का भंजन किया गया। वो दृश्य और पीड़ा सहन करने के लिए मुझे अपनी आंखें बंद कर अंधकार में जीवन की ओर अग्रसर होना पड़ा। फिर 1669 की एक शाम आई, मेरे ही सामने एक प्रति आक्रमणकारियों द्वारा लिखी जा रही थी कि मंदिर तोड़ दिया गया है, मूर्तियों का अनादर किया जा चुका है। ये सूचना बादशाह औरंगजेब को दे दी गई और इसी समय मेरे सामने ज्ञान पापी परिसर में मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरा आराध्य प्रभु का अनादर किया गया। मैं उस हनुमान का आज भी इंतजार करता हूँ जिन्होंने अपने प्रभु को हर समय मुसीबतों में बचाया। मैं अपनी आंखों के सामने हमेशा से अपने प्रभु के दर्शन करता था, लेकिन अब
मेरी आंखों के सामने क्या है वो प्रभु के भक्त सब जानते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ प्रभु ही भक्तों को बचाते हैं। रामायण काल में हनुमान जी ने हर समय प्रभु की छाया बनकर उनकी सहायता की थी। मैं आज मेरे प्रभु के चाहने वालों से उसी हनुमान होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मंदिर परिसर में मस्जिद बनाए जाने के 125 साल बाद तक कोई ज्ञानवापी परिसर में मंदिर नहीं था। और फिर समय आया 1735 का और इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कुछ राजाओं ने मेरे बारे में सलाह दी थी कि मुझे इस स्थान से हटाकर नए मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दिया जाए। उस समय महारानी देवी अहिल्याबाई का जवाब था घोर और गुस्से वाले स्वर में, नहीं नहीं, नंदी महाराज को इसी तरह यहीं बैठे बैठे अपने प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं, नंदी महाराज को अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। वाक्य आज भी मेरे कान में गूंजता है। कभी कभी मैं टूट जाता हूँ, दिल बैठ जाता है, आंखों से आंसुओं की बूंदे टपकने लगती हैं, परंतु मैं महारानी देवी अहिल्याबाई को वो वाक्य स्मरण कर लेता हूँ। उससे मुझे शक्ति मिलती है और मैं फिर प्रतीक्षा में लीन हो जाता हूँ। मेरे इस परिसर का ये विवाद पहली बार तब गरमाया जब मेरे हिंदू समाज के लोगों को लगा कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। तब उन्होंने इस गुम्बद रूपी इमारत को उन्हें सौंपने की पेशकश की। 30 दिसंबर 1810 को मेरे नजदीकी शहर बनारस के तत्कालीन जिलाधिकारी मिस्टर वाटसन ने अपने परिषद के उपाध्यक्ष से एक पत्र लिखकर इस ज्ञानवापी परिसर को हमेशा के लिए हिंदू समाज को सौंपने की मांग की, लेकिन ये काम कभी पूरा ना हो सका। आगे आपको बताते चलूं कि 1829 से 1830 तक ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया था और महाराजा नेपाल ने मेरी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। मुझे दुख इस बात का कि मेरे इस परिसर का जिक्र उस समय के राजस्व के अनुसार जामा मस्जिद ज्ञानवापी के रूप में हुआ, लेकिन एक बार फिर मैंने मन में प्रसन्नता महसूस की। 1980 के दशक में विश्व हिंदू संगठन ने कुछ राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था और हिंदू पक्ष की ओर से कुछ विद्वान थे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने मेरे प्रभु के इस परिसर को सर्वेक्षण के दायरे में लेने के लिए एक याचिका दायर की। 1991 में दायर इस सर्वेक्षण याचिका के खिलाफ उस समय काल के संसद ने उपासना स्थल कानून बना डाला और इस कानून के अनुसार ये कह दिया कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले से अस्तित्व में आए किसी भी समुदाय के धर्मस्थल को दूसरे में नहीं बदला जा सकता। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर क्या था, इस विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति रखने का आदेश दे दिया। इस प्रकार से विवाद ऐसे ही चलता रहा और मैं अपने प्रभु का स्मरण सब्र की गंगा में डुबकी लगाकर करता रहा। प्रतीक्षा करते करते समय आया लेकिन 2021 का, जब आज की कुछ देवी शक्तियों ने संवैधानिक रूप से मेरे लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भेंट किया और तत्कालीन मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा करने की आज्ञा मांगी और मेरे इस परिसर में वीडियोग्राफी द्वारा सर्वे करने की मांग की और इन देवियों की इस मांग को आज के पुरातत्विक विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई। अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार और उत्सुकता है उस फैसले की कि यहाँ मेरे प्रभु का ही निवास था और रहेगा। और जब मैं मेरी संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ करके चंदन का लेप लगाकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकूंगा। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन की आस बंधी है। आज फिर मेरा हिंदू जनमानस जागा है। आज मेरे साम्राज्य के अंतर्गत एक ऐसे सन्यासी राजा आया है जो मुझे और मेरे प्रभु के आवास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सन्यासी राजा मेरे और मेरे मंदिर का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करेगा। जहां मेरे बाबा का विशाल मंदिर हुआ करता था, उस समय काल में यहां मेरे परिसर में कुछ विशेष समुदाय के क्रूर कई अत्याचार किए, कई मूर्तियों को खंडित कर दिया और यहां किसी मस्जिद का निर्माण कर दिया और मेरे प्रभु को सदा सदा के लिए कैद कर लिया। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद नंदी बोल रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये दर्द समझ में आया होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मेरे इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। हर हर महादेव।